आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मेरी तरफ से यानी कि खुशबख्त खान की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बहुत अच्छी गुजर भी रही होगी। वीडियो पे मैं आज लेट आई हूँ क्योंकि मुझे ईद वाले दिन वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये वाला ड्रेस आप लोग देख चुके हैं, मैंने ईद के जो ड्रेसेस आप लोगों को दिखाए थे आज ये वाला ड्रेस मैंने वेयर किया है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला मेकअप मैंने खुद किया है और इसको किस तरह से किया है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाया है। तो अगर आप लोग ये वाला मेकअप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ही वीडियो में बने रहें। और इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ की हैं और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो आपको सारी चीज़ें हर जगह से बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी, आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो एक एक चीज़ का नाम भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ वीडियो में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए आप लोगों को ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल सिखाते हैं। ये अभी डे टाइम है तो ये वाला मेकअप मैंने किया है और मैंने आईलैशेज अप्लाई नहीं किए, मस्कारा लगाया है क्योंकि डे टाइम में मुझे आईलैशेज अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता। अगर आप लोग नाइट में कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो आप आईलैशेज मस्ट लगाइएगा, उससे आपकी आईज और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आप लोगों को ये वाला मेकअप सिखाते हैं कि ये वाला मेकअप मैंने किस तरह से अचीव किया। तो मेरे साथ ही रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आइए ये मेकअप आप लोगों को सिखाते हैं। ड्रेस आप लोगों ने देख लिया और मैंने पहले ही फेस पे अपने बेस जो है वो लगाई हुई है और बिल्कुल लाइट सी बेस मैंने लगाई है। कौन सी बेस लगाई है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल जैसे बीबी क्रीम होती है इसी तरह की ये बेस है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नाम है बोर्जोइस। ये आपको हर जगह से अवेलेबल होगी, अच्छी सी जो कॉस्मेटिक शॉप होती है वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। आप लोग देख लीजिए, मैं इसके स्पेलिंग भी आप लोगों को बता देती हूँ और स्क्रीन पर इसका नाम भी लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये बहुत ही अच्छी लिक्विड बेस है, डे टाइम में आप लोग अगर कुछ भी नहीं लगाते और ये सिर्फ एक बेस लगा लेते हो ना, बेस्ट है। और दिन के टाइम मेकअप कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सन ब्लॉक के बाद फिर इसकी बारी आएगी, आप सन ब्लॉक के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये अप्लाई कर लिया, इसके ऊपर मैंने जो पाउडर लगाया है वो ये लगाया है एवलाइन का। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। तो आइए मेकअप स्टार्ट करते हैं। बेस मैंने लगा ली है, अभी आई मेकअप हमने करना है डे के टाइम, मतलब डे टाइम के हिसाब से हम आई मेकअप करेंगे। तो मैंने आईलैशेस नहीं अप्लाई करनी, सिर्फ मस्कारा लगाएंगे क्योंकि घर में आईलैशेस कौन लगाता है, मैं तो नहीं लगाती। तो इसलिए मैं ऐसा मेकअप आप लोगों को बताऊँगी जो मैं खुद करती हूँ और आप लोग भी इस तरह मेकअप अपना घर में रह कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना आई मेकअप करूंगी। मेरे पास आई मेकअप के लिए काफ़ी सारी जो है आई पैलेट्स हैं, लेकिन मैं इसमें से एक कलर चॉइस करूंगी। ये लाइट वाला कलर मैं लगाऊंगी अपने आईज़ के ऊपर और अभी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये वाला कलर। सबसे पहले मैं ये वाला कलर अप्लाई करूंगी।
और हमने इसको अप्लाई करना है अपनी आईज पर। अच्छी तरह मेकअप को अप्लाई करने के बाद, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद, ये मैंने इस आई पे अप्लाई कर लिया। और अब हम लगाएंगे ये वाला शेड, और हमने ये ब्राउन वाला शेड लिया। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, फिर आपको मेरी समझ नहीं आएगी। तो अगर आप लोग ब्राउन शेड अपनी आँख को बहुत खुला खुला और बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो जो आपकी आई लिड होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर करके आप लोग ये ब्राउन कलर का शेड लगाया करें। इससे आपकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत खुली खुली और बड़ी लगती हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मैं ये ऊपर की तरफ इस तरह इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जब भी आप लोग ब्राउन शेड लेंगे, आपने एप्लीकेटर पे ज़्यादा सारा शेड बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने थोड़ा सा शेड लेना है और उसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है। जिस तरह मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, इस तरह आपने ब्लेंडिंग करनी है। और आँख को थोड़ा सा आपने आई लिड जो होती है उससे थोड़ा सा ऊंचा करके आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इस तरह का आईज़ मेकअप करके देखिएगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी आईज़ छोटी हैं तो लाजमी इस तरह का मेकअप आपने करना है, तो आपको बिल्कुल मैजिक लगेगा। इस तरह जिस तरह मैंने मेकअप किया है, बिल्कुल सेम ऐसा मेकअप करके ज़रूर देखिएगा। तो आपकी आई, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये मेकअप होने के बाद कि मेरी एक आई और दूसरी आई में कितना फ़र्क लग रहा है। अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ और आप लोग फ़र्क देख सकते हैं। और मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई कंसीलर नहीं लगाया और आई के नीचे भी कुछ भी नहीं लगाया, बस सिर्फ वही एक लिक्विड बेस जो आपको बताई है वही लगाई है। ये मैंने हल्का सा गोल्डन कलर में शेड है ये वाला, उंगली की मदद से बिल्कुल लाइट सा मैंने लगाया और ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी शिमरी शेड, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा शिमर नहीं है, बिल्कुल लाइट सा उंगली की मदद से अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छा शेड अप्लाई होता है। तो अभी आप लोग देखिएगा कि ये आई का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप लोग फ़र्क देखिएगा कितना फ़र्क महसूस होता है और कितना खूबसूरत लगता है। तो इसमें मैंने ज़्यादा सारे शेड भी यूज़ नहीं किए, ये मिस रोज़ की पैलेट है और इससे मैंने करना है कॉन्टोर भी, और इसी को मैंने अप्लाई करना है आईज़ के नीचे। एक आपको टिप देना चाहूँगी आप लोगों की, अगर आईज़ छोटी हैं तो आप लोग ब्लैक पेंसिल अवॉइड किया करें। ब्लैक पेंसिल अगर आप अपनी आईज़ में लगाते हैं तो इससे आपकी आईज़ जो हैं वो और छोटी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी आईज़ को खुला खुला बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो हमेशा ब्राउन कलर की पेंसिल को यूज़ किया करें और ब्लैक कलर की पेंसिल को अवॉइड किया करें। तो ये मैंने ब्राउन कलर की जो शेड था मिस रोज़ का, मैंने वो वाला शेड अपनी आईज़ के नीचे अप्लाई किया है और दूसरी आई का मेकअप करके कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ। तो दोनों आईज़ का हो गया है मेकअप कंप्लीट, बिल्कुल लाइट सा डे टाइम मेकअप है। और ये मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया, ब्रो बोन पे हल्का सा हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया, ज़्यादा डार्क नहीं।
और यही वाला मेकअप आप अगर किसी डिनर पे जा रहे हैं शाम के टाइम, अगर किसी की बर्थडे पार्टी पर जा रही हैं, तो आप लोगों ने इस मेकअप में ये इजाफा करना है कि आप लोगों ने आईलैशेस अप्लाई करने हैं, लाजमी अप्लाई करने हैं। और यहाँ पर मैंने मिस रोज़ की वही वाली पैलेट से अपनी हल्की सी कॉन्टोर की, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो फेस है ना, वो ज़्यादा मुझे अब हैवी हैवी लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रमज़ान में ऐसी तली हुई चीज़ें खाई हैं कि पकोड़ों से और समोसों से हाथ बिल्कुल भी नहीं पीछे किया, तो इसलिए अब मुझे ज़रा अपना फेस ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। तो अब इंशाल्लाह रमज़ान हो गया है ख़त्म, तो अभी अपने ऊपर तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने बिल्कुल लाइट सी कॉन्टोर की है, ज़्यादा डार्क कॉन्टोर नहीं करनी, क्योंकि डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा डार्क कॉन्टोर बुरी लगेगी। हाँ जी, अगर आप लोग शाम के टाइम ये वाला मेकअप कर रहे हैं तो कॉन्टोर थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, तो इससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये है ब्लश ऑन, मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो एक आईलाइनर पसंद है, और ब्लश ऑन की तो मैं दीवानी हूँ। मैं कहती हूँ कि जितना ब्लश ऑन हो मैं सारा लगा लूँ, मेरा ब्लश ऑन से दिल नहीं भरता कभी भी। मेकअप मैं ना करूँ, मैं कुछ भी ना लगाऊँ, लेकिन ब्लश ऑन और आईलाइनर होना चाहिए। लेकिन आज वाले मेकअप में मैंने आईलाइनर को अवॉइड किया है, आईलाइनर मैंने अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आईलाइनर लगाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्लश ऑन बड़ा ज़्यादा लगाया है। अगर आप लोगों को ब्लश ऑन नहीं पसंद तो आप कम लगाएं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सारा लगाया है, नोज़ पर, चिन पर, चीक्स पर। तो ब्लश ऑन मैंने लगा लिया, और अब हम ब्लश ऑन के बाद क्या लगाएंगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ब्लश ऑन के बाद ये हाइलाइटर है, मैक का हाइलाइटर। ये सिल्वर कलर में नहीं है, गोल्ड कलर में है। ये वाला मैंने अप्लाई किया नोज़ पे, चीक्स पर और चिन पर, अपने फोरहेड पर। और ये मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। अच्छा, जब स्टार्ट में मेकअप हो जाता है ना, तो बड़ा अजीब अजीब लगता है, मुझे भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे मेकअप को टाइम होता जाता है आपका मेकअप सेट होना स्टार्ट होता जाता है। तो हमेशा हर किसी के साथ इसी तरह होता है, शुरू शुरू में आप लोगों को अपना मेकअप बहुत ज़्यादा लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है मेकअप आपका बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप लोग इस बात से कभी भी ना घबराया करें कि आपका मेकअप इतना ज़्यादा हो गया और बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वाइट कलर की पेंसिल है, ये मैं अपने आईज़ के अंदर लगाऊंगी। वाइट कलर की पेंसिल आईज़ के अंदर मैंने लगा ली है, और इससे आईज़ बहुत प्यारी और ऑलमोस्ट मेकअप कम्प्लीट हो गया, लेकिन मस्कारे के बगैर तो आईज़ मेकअप बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं होता। तो ये मैंने लगाया मस्कारा, और मैं आईलैशेस अप्लाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लोगों को आईलैशेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग शाम के टाइम, रात के टाइम कहीं बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो लाजमी आईलैशेस बिल्कुल जो लाइट वाली होती हैं, नेचुरल, वो वाली आईलैशेस अप्लाई करिएगा। तो अभी आप लोग बताइए कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। लिपस्टिक ना लगाई हो तो मेकअप तो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मेरा फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना है, वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मेकअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।